एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर, एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर। जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। दरअसल म्यूजिक फैमिली में ही था, मेरे पिताजी गाते थे, शौकिया गाते थे, पर गजलें उन्हें बहुत पसंद था गाना। और मेरे काका तबला प्लेयर हैं खैरागढ़ म्यूज़िक यूनिवर्सिटी में, वो सीखे भी और वहाँ सिखाया भी। और उसके बाद में प्रोफेशनली मैंने अपने घर में, शायद मैं दूसरी इंसान हूँ जिसने म्यूज़िक को प्रोफेशनली अपना करियर चूज़ किया। और उसके बाद में मेरे कज़िन हैं, बहुत अभी बहुत यंग हैं और वो भी बहुत टैलेंटेड है और अपना करियर म्यूज़िक में परस्यू करना चाहते हैं। तो इस तरह से कहना चाहिए कि परिवार में म्यूज़िक तो था लेकिन प्रोफेशनली कम था। और उसके बाद अगर बात करें कि रीवा से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा, मुझे तो जर्नी बहुत खूबसूरत लगती है क्योंकि रास्ते में आप बहुत कुछ सीखते हुए चलते हैं। और रीवा में जब मैं यहाँ से मुंबई गई थी, 2008 की बात है, 2008 के पहले का जो यहाँ माहौल था, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जितनी आज हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द पीपल हु आर टेकिंग इट वेरी स्ट्रांगली एंड वेरी नाइसली। पहले म्यूज़िक में जाना था तो बहुत सारे इधर उधर के लोग कहते थे कि म्यूज़िक में जाओगे कोई करियर नहीं होगा। इनफैक्ट मेरी मदर कहती थी कि म्यूज़िक में कोई ऐसी एक जॉब नहीं है आजकल सिक्योर्ड जो तुम्हें मिल सकती है, और ये कितना मतलब इनडेफिनेट है, तो तुम कैसे अपना करियर इसमें बनाओगी। लेकिन फिर भी मैंने चूज़ किया और उन सब ने मेरा सपोर्ट किया।